फिरोजाबाद के आर्य नगर में अज्ञात बदमाशों ने कोयला व्यापारी राकेश अग्रवाल के घर में घुसकर उनकी 74 साल की बुजुर्ग मां कमला देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। घर में काम करने वाली मेड जब महिला के बचाव में आई तो बदमाशों ने उसे भी घायल कर दिया। घायल मेड का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के वक्त व्यापारी की मां घर पर अकेली थी और पूरा परिवार पिक्चर देखने गया हुआ था। एसएसपी आशीष तिवारी का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो आदमी मोटरसाइकिल पर आए हैं और इनके घर पर घंटी बजाकर इनके घर के अंदर गए हैं और उसके बाद में ये पता चला है कि जो कमला देवी हैं उनका कांच से गला रेत के हत्या की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पैसा वगैरह भी यहाँ से लेके गए। इसके लिए इसके वर्कआउट के लिए इमीडिएटली मैंने यहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया है और जो टीमें हैं उनको गठन किया है। मुझे बस इतना चाहिए कि अगर मैंने समाज के लिए कुछ किया है तो मुझे मेरी दादी के लिए इंसाफ चाहिए। दिन दहाड़े ये हादसा हो गया, मेरी दादी चली गई, घर पूरा बिगड़ चुका है मेरा। मेरे पापा बीमार रहते, मेरे चाचा बीमार रहते, वो बाहर है।